हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एबीसी फ्लाई। लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था हमारा छत पे जो मांजा का सेटअप हमने रेडी किया वो, और आपको ये भी बोला था कि कुछ ही दिनों में मांजा देके भी आपको दिखाएंगे। लेकिन कोलकाता का वेदर, अभी हर दिन बारिश हो रहा है। जिस टाइम हम मांजा बनाते हैं कि अभी मांजा देंगे, उस टाइम में ही बारिश होता है। आज भी मांजा देने का ही एक वीडियो करेंगे ऐसे हमने सोचा था, लेकिन आज भी बारिश ने पूरा पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी सोचा कुछ ना कुछ वीडियो आपको लाके दिखाएंगे। तो एक चीज़ आप सभी जानते हैं जो पतंग के साथ जुड़े हुए हैं, कि मांजे का सबसे इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल है वो है ग्लास पाउडर। और कुछ भी आप दे दीजिए, अगर ग्लास पाउडर ठीक से आप नहीं देंगे तो मांजा आपका ठीक ठाक नहीं होगा। तो जैसे ग्लास पाउडर वैसा मांजा। अगर ग्लास पाउडर अच्छा तो मांजा अच्छा, अगर ग्लास पाउडर ख़राब तो मांजा ख़राब। और ग्लास पाउडर का जब हम बनाएंगे ग्लास पाउडर, तब दो चीज़ ध्यान में रख के बनाना होगा। एक, ग्लास का हार्डनेस ठीक ठाक होना चाहिए, और सेकंड, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ग्लास का हार्डनेस से भी इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपका फाइनमेंट, मतलब कितना फाइन आप ग्लास पाउडर बनाया। अगर ग्लास पाउडर बहुत फाइन हुआ तो मांजा भी बहुत बारीक होगा, बहुत सुंदर होगा। और अगर ग्लास पाउडर बारीक नहीं होगा, ग्लास पाउडर फाइन नहीं होगा, तो मांजा भी ख़राब होगा। तो आज आपको हम दिखाएंगे कि एकदम बढ़िया तरीके से ग्लास पाउडर जो है वो हम कैसे तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पर बिना कोई खर्च किए। तो चलिए देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए। आज आपको हम दिखाएंगे एकदम बढ़िया तरीका का, जो हमारा टूर्नामेंट क्वालिटी का मांजा होता है वैसा टूर्नामेंट क्वालिटी का मांजे के लिए कैसे ग्लास पाउडर बनाया जाता है, कैसे करके ये ग्लास पाउडर हम निकालते हैं, सभी कुछ इस वीडियो में रहेगा। तो हमारा साथ पूरा वीडियो तक बने रहिए। देखिए, सबसे अच्छा तो होता अगर हम बॉटल का कांच यूज़ करते, लेकिन बॉटल का कांच अभी तोड़ने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और ऑफिस भी जाना है, इसलिए जल्दी करने के लिए हमने लिया है ट्यूब का कांच। और ट्यूब का कांच हम कैसे कागज़ से रैप कर लेते हैं ये देखिए, ताकि कोई भी कांच का टुकड़ा बाहर ना आए जब हम तोड़े। ये टेक्निक आपको बहुत काम में आएगा। देखिए, पूरा ट्यूब कागज के अंदर रैप हो चुका है, अब इसे तोड़ देने से ही हो जाएगा। देखिए, जस्ट कोई भी भारी चीज से, देखिए ये टूट चुका है। और देखिए, बिल्कुल कोई भी कांच का टुकड़ा बाहर नहीं आया है, जो थोड़ा थोड़ा आया है वो नीचे जो कागज हमने दे रखे थे उसमें ही गिरा है। और अभी इसका अंदर ही हम इसको थोड़ा ऐसे तोड़ लेंगे। जो प्रोसेस हमने दिखाए ऐसे ही आप करना, और आप सेफ्टी के लिए ग्लव्स यूज कर सकते हैं और मास्क यूज कर सकते हैं। हमने नहीं किया है, ये ठीक नहीं है, ये करना चाहिए। देखिए कैसे करके हमने अनरैप कर रहा है, कैसे करके मैं अनरैप कर रहा हूँ। और देखिए, ग्लास बिल्कुल इस पेपर के अंदर ही रहा, ग्लास बाहर नहीं आया, नीचे जो पेपर बिछाए हुए थे उसमें ही रहा। तो देखिए, इसका इसमें पीछे का जो होल्डर है वो रहा। तो ये हम अभी ऐसे मोड़ के ये फेंक देंगे, और इसके साथ कोई संबंध नहीं है। ये देखिए, हमारा कांच मिल गया है। इसका आप हवन दिशा में देखें, हमने इसको पूरा एकदम डस्ट कर लेंगे, फिर छान लेंगे और ग्लास पाउडर रेडी हो जाएगा। ये बॉटल का कांच से सबसे अच्छा होता, फिर भी हमने इससे किया टाइम को सेव करने के लिए, और मांजा इसमें भी ख़राब नहीं होगा, ठीक ठाक होगा। तो इसको पहले कुछ देखे, कुछ कपड़ा देखे कवर कर लेंगे, नहीं तो फिर ग्लास का जो टुकड़ा वो बाहर भी आ सकता है। तो पहले इसको हम कवर कर लेते हैं चारों साइड से,
ऐसे कर कवर करके, ये पेंट है इसलिए सुविधा है। देखिए अभी हमने तोड़ेंगे, लेकिन और एक चीज़, जब आप मारेंगे इसको, उससे पहले ये हवनदिस्ता का नीचे एक मोटा तरीके का कपड़ा दे देना, नहीं तो फिर फ्लोर खराब हो सकता है। अभी देखे, चलिए काम स्टार्ट हो गया। ग्लास पाउडर तो आप सभी बनाते हैं, सभी अच्छे ही बनाते होंगे, लेकिन हम जो स्टेप दिखाया है, ये स्टेप में आप अगर करोगे तो आपका बहुत हेल्प होगा। मतलब पूरा सिस्टमेटिक वे से पूरा काम बन जाएगा, जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। देखिए, हमने जो कांच को तोड़ा, ट्यूब को तोड़ा, इसमें डाला, इसमें हमारा घर भी ख़राब नहीं हुआ, कुछ जगह भी ख़राब नहीं हुआ। दो पेपर सिर्फ ख़राब हुआ था, ये एक पेपर ख़राब हुआ और ये एक पेपर ख़राब हुआ, दो पेपर में से ही पूरा काम हमको निकल गया। देखिए 5 मिनट तोड़ने के बाद ऐसे हुआ है। इसको और भी हम 15-20 मिनट तोड़ेंगे, एक बार में ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि बार बार हमको तोड़ना ना पड़े। देखिए ऑलमोस्ट 1/2 आवर कुटाई करने के बाद ग्लास का पाउडर ऐसे हुआ है। आप भी कोशिश करना, जितना हो सके ज़्यादा एक बार में ही कुटाई कर लेना, तो आपको बाद में परेशानी कम होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा हाथ पे है छन्नी, इस छन्नी के हेल्प से हमने ग्लास डस्ट को अलग कर लेंगे। तो ये छन्नी का साइज़ होता है, ये साइज़ देख के ही आपको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन घर पे हम पहले कपड़े से इसको छानते थे, तो कपड़े का प्रॉब्लम क्या है, कपड़े में छानने से प्रॉब्लम क्या है, ये थोड़ा आपको बता देते हैं। कि देखिए कपड़े का जो होल होता है, मतलब डोर के अंदर, कपड़ा तो डोर से ही तैयार होता है, तो उसका अंदर जो होल होता है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। जो सूती का कपड़ा होता है उसका होल थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है, और इसलिए जो ग्लास पार्टिकल नीचे गिरता है छनने के बाद, वो थोड़ा मोटा होता है। वो आपको हाथ में आप देख के भी समझ सकते हैं कि वो थोड़ा मोटा मोटा हो रहा है। और इससे जो ग्लास पाउडर निकलेगा ना, वो बहुत फाइन ग्लास पाउडर निकलेगा। और जो बड़ा बड़ा मेकर छोड़ दीजिए, जो भी मेकर मांजा बनाते हैं, उसका मेन चीज़ है ये ग्लास पाउडर का फाइनमेंट, कितना फाइन ग्लास पाउडर हो। तो इसलिए ये हमने खरीद लिया है, और इसमें से एकदम यूनिफॉर्मली एक ही साइज़ का ग्लास डस्ट निकलेगा। और इसका साइज़ है 90 माइक्रोन। आप दुकान में जाके अगर 90 माइक्रोन बोलोगे तो ये आपको मिल जाएगा, और मेस के हिसाब से भी मिलता है। तो मेस के हिसाब से अगर आप लेना चाहते हो तो वो 150 मेस ऐसे कुछ करके आपको लेना होगा। बाद में अगर हिसाब आपको समझ में नहीं आता है, आप नेट पे देखने से मिल जाएगा माइक्रोन और मेस का हिसाब, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो हम आपको बाद में किसी एक वीडियो में पूरा हिसाब करके बोल देंगे। तो चलिए इसके हेल्प से अब हम जो ग्लास डस्ट हमने कूट के बनाया था उसको छान लेते हैं। इसका साइज़ के हिसाब से इधर लिया है एक गमला, इसके ऊपर ये पूरा सेट होता है ऐसे, देखिए। और ऐसे सेट करके हम ग्लास पाउडर को जो हमने कूट के बनाए थे उसको इसके ऊपर धीरे से डाल देंगे। इस सब चीज़ के लिए मास्क और ग्लव्स दोनों चीज़ आप ज़रूर यूज़ करना। ये हमारा गलती हो गया है कि हमने नहीं यूज़ किए हैं। और ऊपर से ऐसे चापिएगा मत, जितना ये खुद निकल के दे उतना ही रखना। एक दो दिन के लिए अगर मान जा दोगे तो ये आप कपड़े में भी कर सकते हैं, और इसका वीडियो भी हमने पहले दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। देखिए छनने के बाद ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, बहुत ही बारीक हुआ है। आपको हाथ से भी दिखाए तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरा डस्ट के माफिक हुआ है। तो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और हमारा चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। और बहुत सारा व्यूअर्स है आप लोगों से जो हमारा चैनल रेगुलर फॉलो तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हुए हैं, क्योंकि हमारा चैनल का 85% व्यूअर्स है फ्रॉम नॉन सब्सक्राइबर्स। तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें हमारा हौसला और भी बुलंद होता है। हमारा चैनल का यूनिकनेस के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको।
हम ज़्यादा हमारा एडवर्टाइजमेंट करते नहीं है, लेकिन एक चीज़ देखिए, हमारा चैनल में सब नए नए चीज़ आपको दिखने में मिलेगा। देखिए अभी मांझे का वीडियो आप अगर देखोगे तो बहुत सारा चैनलों ने दिया हुआ है, लेकिन पहले मांझे का ठीक ठाक वीडियो कैसे क्या क्या चीज़ मिला के कैसे मांझा दिया जाता है, ये वीडियो हमारा चैनल में ही आपको सबसे पहले आज से 3 साल पहले मिला था। आज भी इस वीडियो में यूनिक क्या है, इस वीडियो में यूनिक है और भी लोग आपको दिखाए होंगे कि इस छन्नी से कैसे कांच को छाना जाता है, लेकिन इसका जो साइज़ है इसका बारे में हमने पहले बात किया, क्योंकि हम जो वीडियो करते हैं वो बहुत प्रिसाइज वे से करते हैं और एकदम हर एक इन्फॉर्मेशन जो हमको पता है वो आपको देने का कोशिश करते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन जो हमारा नॉलेज में है वो आपको देने का कोशिश करते हैं। तो इस कोशिश के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, अगर आप करोगे तो हमारा मोटिवेशन और भी हाई होगा और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके पास हम लेके आ सकते हैं। आप जो हमारे साथ पूरा पहले से आज तक जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारा चैनल में जुड़े रहने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट भी करने के लिए। आज भी आप सभी को थैंक यू बोलते हैं पूरा वीडियो को इतना गौर से देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर आपसे कुछ ही दिनों में मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।